दर्शकों को प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हृदय से शुभकामना देना चाहूंगा और योग दिवस के अवसर पर हमें योग क्या है उसे समझना बहुत ही आवश्यक और विशेष रूप में योग की जितनी प्रक्रियाएं संसार में चल रही है उनमें से निजानंद योग क्या है उसके विषय में भी समझना चाहिए। आज योग कहते ही हम सामान्य रूप में आसन प्राणायाम और थोड़ा बहुत ध्यान के नाम पर कहने को मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन वही 15 मिनट का जो एक सेशन होता है या आधे घंटे का 15-20 मिनट से आधे घंटे का एक मानसिक शांति अथवा मेंटल रिलैक्सेशन का एक सत्र होता है, सेशन होता है। हमने सिर्फ इतनी छोटी सी प्रक्रिया को योग मान रखा है, जबकि योग का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। योग के विषय में यदि हमें देखना है, बहुत गहराई से समझनी है, तो हमें योग दर्शन को भी समझने की आवश्यकता पड़ती है। पतंजलि मुनि ने योग दर्शन लिखा, उसमें योग के 8 अंग बताए, जिसको बोलचाल की भाषा में अष्टांग योग कहते हैं। वो 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमने उसमें से क्या किसको योग समझा? आसन, प्राणायाम और ध्यान के नाम पर हम सिर्फ बैठते ही हैं, जबकि परिभाषा के हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ जो 15 मिनट 20 मिनट आंख बंद करके बैठते हैं उसको हम ध्यान नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान में बैठने का प्रयास किया जा रहा है, शुरुआती स्तर है ये, लेकिन ध्यान की अवस्था तो इससे भी बहुत ऊपर है। अभी तो हम कुछ ना कुछ कल्पना कर रहे होते हैं आंख बंद कर। तो वास्तव में योग है उन 8 अंगों को मिला करके बना हुआ पूर्ण रूप, और परमात्मा को पाने का, अपने आत्म स्वरूप को जानने का, अपने निज स्वरूप को जानने का एकमात्र उपाय यही है। यही है का मतलब योग है। यम नियम से लेकर के ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ। इसका मतलब ये है कि जब तक हम यम नियम का पालन नहीं करते, जब तक हम ध्यान में नहीं बैठते, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते, तब तक हम मानव जीवन के लक्ष्य को नहीं पा सकते। हाँ, जिस आसन के विषय में हम जानते हैं, जिस प्राणायाम के विषय में जानते हैं, उसका भी हमें बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, अल्प मात्र। जैसे ध्यान के संदर्भ में बात की जाए तो जिन आसनों की बात की जाती है, सैकड़ों आसन है जिनके विषय में लोग जानते हैं, और जो बहुत कम जानता होगा वो भी कम से कम 15-20 आसन के विषय में तो जानता ही होगा। जैसे जो प्रचलित आसन है समाज में, तो उनका अगर मैं नाम बताऊं, जैसे मान लीजिए कि पद्मासन बैठने वाला आसन है, ध्यान में बैठने वाला आसन, सुखासन है, सरलासन है, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन है, ये सब ध्यान में बैठने वाले आसन है। इनके अलावा भी तो जैसे वज्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, भुजंगासन, शीर्षासन, चक्रासन, ऐसे सेतु बंधासन है, मत्स्यासन है, वृश्चिकासन है, ताड़ासन है, गर्भासन है, ऐसे बहुत सारे आसन है। लेकिन ध्यान में बैठने के लिए उन सब आसनों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में बैठने के लिए जो 4-5 आसन मैंने शुरुआत में कहे उनकी आवश्यकता है। तो फिर सवाल ये होता है कि फिर हम इतने सारे आसन क्यों कर रहे हैं? आसन की परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात जिस पोस्चर में, जिस तरीके से हम लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक और सरलता पूर्वक बैठ सकते हैं उसको आसन कहते हैं। हाँ, जो दूसरे आसन है वो व्यायाम आसन है। व्यायाम आसन का मतलब ऐसे आसन
जिन को करने से हम ध्यान वाले आसन में लंबे समय तक बैठ सके। जैसे कुछ आसन ऐसे हैं जो गर्दन के दर्द को का निवारण करती है, कुछ आसन ऐसे हैं जो कमर दर्द से संबंधित है, कुछ आसन ऐसे हैं जो घुटनों को स्वस्थ रखने में, पैरों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो ये इन सभी आसनों को करने से हमारे शरीर के अलग अलग अंग स्वस्थ रहते हैं, दृढ़ मजबूत रहते हैं, जिस वजह से हम ध्यान वाले आसन में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि योग का सार क्या है कुल मिलाकर के, कि जितनी प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, जिन अलग अलग अंगों का हम पालन कर रहे हैं, चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन आसन में अलग अलग व्यायाम इत्यादि हो, इन सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान में बैठ सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो योग है, योग का सार है ध्यान और समाधि। क्योंकि योग का मतलब ही क्या होता है, हमने तो योग को सिर्फ आसन प्राणायाम से जोड़ दिया। योग दर्शन के आधार पर योग का मतलब होता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना अथवा चित्त की वृत्तियों को विषयों में लगने से रोकना और एक स्थान पर अथवा परमात्मा में उन वृत्तियों को लगाना, उसको कहते हैं योग। सामान्य भाषा में कहें तो योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे दो में दो का योग करने पर चार निकलता है ना, इसी तरह से बिल्कुल सरल शब्द में मैं दार्शनिक परिभाषा ना भी लूं, सामान्य बोलचाल की भाषा में कहूं तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग कहलाता है। और उसमें जो सर्वोत्तम सर्वोच्च जो अवस्था है वो ध्यान और समाधि की अवस्था है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, आसन और प्राणायाम जो है वो शरीर को स्वस्थ रखने में, और साथ में जो कुछ प्राणायाम है वो मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं, उसी तरह से जो यम और नियम है, यम और नियम भी मन को एकाग्र करने में सहायक होते हैं। जैसे यम में क्या आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन पांच यमों का जब हम पालन करेंगे, हम किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखेंगे। हिंसा का मतलब सिर्फ काट मार करना ही नहीं होता, हिंसा का मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख पहुंचाना, ये हिंसा है। इसी तरह से जब हम सत्य का पालन करेंगे, जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जब हम अपरिग्रह का पालन करेंगे, अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जैसे हमें आवश्यकता है दो जोड़ी कपड़े की, ठीक है, स्पेयर के रूप में चलो दो जोड़ी और रख लिए, तो चार जोड़ी कपड़े से हमारा यदि काम चल रहा है, लेकिन अनावश्यक रूप में जब हम संग्रह करते हैं किसी वस्तु का या किसी भी प्रकार के अर्थ का धन का अनावश्यक संग्रह करना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। जब हम उसको कहते हैं परिग्रह और संग्रह न करने को कहते हैं अपरिग्रह। अब इसका ध्यान में क्या प्रभाव पड़ता है, कई लोगों को लग रहा होगा कि मतलब धन संग्रह करने से अथवा पैसा अथवा किसी भी तरह से कपड़े इत्यादि संग्रह करने से ध्यान में क्या असर पड़ सकता है। असर कैसे पड़ता है कि जैसे जब आपको पता है कि इतने से मेरा काम चल सकता है, तो आपने उतने के लिए परिश्रम किया, उतने के लिए अपना शरीर लगाया, उतने के लिए अपना आपने अपना आपने अपनी ऊर्जा लगाई, एनर्जी लगाई, समय लगाया, और बाकी समय आप ध्यान के लिए दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करने में, चीजों को इकट्ठा करने में आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय माया को दे रहे हैं, धन कमाने के लिए दे रहे हैं, अर्थोपार्जन के लिए दे रहे हैं, तो ध्यान के लिए समय कब मिलेगा। और जितना अधिक आप माया का चिंतन करते रहेंगे, ध्यान लगाने में उतनी ही कठिनता होगी। जैसे मान लीजिए कि पंखा है हमारे घर में, वो पंखा स्थिर स्थान पर है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो स्विच ऑन करने पर वो पंखा जल्दी से चलने लग जाता है, लेकिन पंखा को उल्टा घुमाना शुरू करें, पूरी तेजी से उल्टा घुमाएं और फिर स्विच ऑन करें, तो उसके बाद सीधा होने में समय लगता है, ज्यादा उसको ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। उसी तरह से मन रूपी जो पंखा है, मन रूपी ऊर्जा है, उसको हम माया की तरफ ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो वापस एकाग्र होने में उसको ज्यादा समय लगेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पेड़ में चढ़ना है, पेड़ के ऊपर चढ़ना है, आप दिन में
मान लीजिए आप दो कदम ऊपर तक पहुंचे और फिर वापस उतरे, फिर चार कदम चढ़े, फिर वापस उतरे जमीन पर, ऐसे तो पूरे जीवन भर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप दो कदम ऊपर चढ़ते हैं किसी भी जगह पर, अथवा दो सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, दो कदम आगे बढ़ते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, अगले दिन आपको वहीं से दो कदम आगे बढ़ना हो तो वैसे आसानी होगी कि दो कदम आगे बढ़ते गए फिर वापस पीछे दो कदम हटते गए, उसमें आसानी होगी। समझने वाली बात है। इसीलिए अपरिग्रह का इसीलिए महत्व है कि जब हम माया का काम अथवा माया की तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे, परमात्मा की तरफ मन एकाग्र करने में उतनी ज्यादा कठिनाई होगी। तो इसलिए ये इन सब नियमों का जब हम पालन करेंगे, फिर शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान, इन नियमों का पालन करेंगे। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अथवा परमात्मा के प्रति अपना सर्वस्व समर्पित करना, अपना समर्पण करना। और यहाँ सर्वस्व समर्पण का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि हमने परमात्मा के नाम पे जो हमारा बैंक है, बैंक का चेक मतलब पूरा खाली कर दिया, बैंक का अकाउंट खाली कर दिया, सारे पैसे दे दिए, हमारे जमीन जायदाद ये दे दिया, हम जैसे मान लीजिए कि हम परमात्मा को राज्य कहते हैं, राज्य के नाम पर हमने चेक काट के दे दिया, उसको समर्पण नहीं कहते। समर्पण का मतलब है मन देना। किरंतन में एक प्रकरण है, सुनो रे सत के बंजारे, उसमें एक तो बयान दी है कि पर मनवा दिए बिना हाथ ना आवे सत की बड़ी ठुकराई। मन देने के बाद ही हम समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, ऐसा कहा है योग दर्शन। तो जब तक हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक ध्यान समाधि नहीं लग सकती। और आज समाज की अवस्था क्या है, आज हमारी अवस्था क्या है, जब योग दिवस का संदर्भ चल ही रहा है, प्रसंग चल रहा है, तो मैं एक बात सबके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूँ, किसी की खंडनी करने के हिसाब से नहीं, किसी की कमी निकालने के हिसाब से नहीं, लेकिन सच्चाई बताना भी तो मेरा कर्तव्य है। और सच्चाई है कि हमने परमात्मा के नाम पर क्या किया है कि किसी प्रकार की मूर्ति बनाई और उसको नाम दे दिया कि ये परमात्मा है, किसी प्रकार के पत्थर को तराश करके कोई मूर्ति बनाया था, कोई शिवलिंग बनाया, किसी प्रकार के शालिग्राम की स्थापना हमने, और हमने कहा कि ये हमारे परमात्मा है। ये किसने बनाया है? ये सारे पत्थर तो मनुष्य ने बनाए। सोचिए कि जो परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि के आरंभ होने से पहले भी वो परमात्मा था, सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी परमात्मा रहेगा। और एक सामान्य मनुष्य सोचता है कि हम परमात्मा को बना रहे हैं, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला तो मनुष्य है। सोचिए कि एक मनुष्य के द्वारा बनाई गई मूर्ति की तो वो पूजा करता है, और वही मनुष्य जिस मूर्ति को परमात्मा ने बनाया है अर्थात दूसरे मनुष्य की, वो जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, अथवा रंग भेद के नाम पर अगर भेदभाव करता है, उनके साथ में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है अथवा घृणित व्यवहार करता है, तो ये कैसी पूजा है? कि परमात्मा के बनाई मूर्ति अर्थात मनुष्य की तो वो उपहास कर रहा है, अवहेलना कर रहा है, और मनुष्य के बनाई मूर्ति को, उसी मनुष्य की बनाई मूर्ति को मंदिर में पधरावनी करके, मंदिर में स्थापना करके वो पूजा कर रहा है। तो ये समर्पण नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए पहले आवश्यक है कि हम सब उस परमात्मा को अपना मन दें जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। जैसे गीता ने कहा, गीता का भी कथन है, उपनिषद का भी कथन है कि परमात्मा हमारे हृदय धाम में, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, विभिन्न मंदिरों में, मूर्तियों में, पत्थरों में, चित्रों में खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहती है गीता कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में। श्री प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। है परमात्मा, आपका जो धाम है वो मेरा हृदय है। कबीर जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, मैं और कहीं नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। और जब तक हम अपने हृदय में विराजमान उस परमात्मा की छवि को नहीं देखेंगे, जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे, तब तक बाहर कितना भी ढूंढे प्राप्ति नहीं होगी।
सोचिए कि बाहर वाला जो परमात्मा है, जिसको तथाकथित रूप में परमात्मा कहा जाता है, उस बाहर के ईश्वर को पाने के लिए तो आपको अलग अलग जगह पे ठोकरें खानी पड़ती है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, भेंट द्वारिका एक जगह है, एक तीर्थ स्थान है। भेंट द्वारिका में जाने के लिए, भेंट द्वारिका का नाम ही भेंट द्वारिका इसीलिए है कि वहां आपको जाना है तो वहां के पंडों के लिए, वहां के पुजारियों के लिए अलग से भेंट देना आवश्यक है। जब तक आप पंडों को, पुजारियों को भेंट नहीं देंगे, तब तक आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। आपको कामाख्या जाना हो तो वहां भी आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है हर जगह पर। तो फिर उन गरीबों का क्या होगा जो इस ऐसे तथाकथित तीर्थ स्थानों में जाने के लिए पैसा नहीं दे सकते। ऐसे स्थान में जाने के लिए तो मनुष्य तड़पता है, रोता है कि हम वहां पर नहीं जा पाए, और अगर किसी कारण बस किसी तरीके से वह जा पाता है तो अपनी खुशी का इजहार करता है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। सोचिए कि हमारे हृदय रूपी तीर्थ में, हमारे आत्म तीर्थ में जो परमात्मा विराजमान है, उस परमात्मा को पाने के लिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? बस बैठना है, योग को समझ करके, धारणा ध्यान समाधि को समझ करके, ध्यान में आंख बंद करके बैठने की आवश्यकता है, और अंतर चक्षु को खोल करके अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके उस परमात्मा का ध्यान करने की आवश्यकता है, वो भी अपने हृदय रूपी धाम में, अपने हृदय रूपी मंदिर। और निजानंद योग की विशेषता ही यही है कि निजानंद योग उसका मार्ग प्रदर्शित करता है। निजानंद योग के माध्यम से हमें प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से पता चलता है कि किस तरह से परमात्मा हमारे हृदय धाम में विराजमान है, और कैसे हम उस परमात्मा को चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आसन प्राणायाम की बात सभी करते हैं, मैंने भी संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया कि इस तरह के आसन होते हैं, इस तरह के प्राणायाम होते हैं। लेकिन हाँ, जो ध्यान की पद्धति है, जो धारणा ध्यान और समाधि के विषय में अथवा प्रत्याहार के विषय में, दुनिया में बहुत जल्दी से बात नहीं होती है। कोई बिरला होता है तो उसको जानना चाहता है, और कोई बिरला ऐसा होता है उनमें से भी जो उसके विषय में बता सकता है, बता पाता है। और श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से हमें स्पष्ट कर दिया है चितवनी का मार्ग, निजानंद योग का मार्ग, और ये बता दिया है कि उस परमात्मा को यदि पाना है तो और कोई तरीका ही नहीं है। क्या कहा कि दुनिया के बहुत महंगे महंगे कष्टदायी प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, उन प्रक्रियाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। उस परमात्मा को पाना है तो हृदय में प्रेम ला करके बस ध्यान में, चितवनी में बैठने की आवश्यकता है। क्या कहते हैं, कोई बढ़ाओ, कोई मुड़ाओ, कोई खेच काढ़ो खेस, जो लोग आत्म न ओलखी कहा होए धरे वो मेष। परमात्मा को पाने के लिए लोग कितना खर्च करते हैं, कोई बालों को बढ़ाते हैं, बढ़ाने में भी तो खर्च होता है ना, बालों के पीछे लोग कितना खर्च करते हैं, कोई मुंडन करते हैं, कोई खींच करके अपने बालों को ऐसे खींच करके निकालते हैं, केश लुंचन करते हैं, खींच करके बाल उखाड़ते हैं, कोई सात सात बार दिन में स्नान करता है, कोई उत्तम वस्त्रों को धारण करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं को। संसार में ऐसे सैकड़ों प्रक्रियाएं हैं जो अध्यात्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर की जाती है, लेकिन जब तक हम ध्यान समाधि के मार्ग का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान समाधि के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो यदि निजानंद दर्शन से जुड़ा है, वाणी से जुड़ा है, तो वाणी पढ़े। हाँ, आप यदि शुरुआती स्तर पर है, आपको योग के विषय में जानना है, आपको ये जानना है कि परमात्मा हमारे हृदय धाम में है तो कैसे है, हमें किन किन चीजों का पालन करके हम ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति का मार्ग कैसा होना चाहिए, आप गीता का भी अध्ययन करेंगे तब भी आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। आहार से लेकर के सामान्य आचरण से लेकर के ध्यान समाधि तक की बातें भी गीता में की गई है। आप योग दर्शन पढ़िए, आप निजानंद योग नामक एक छोटी सी पुस्तिका है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित, उस पुस्तिका को पढ़िए। ध्यान की पुष्पांजलि नाम की एक पुस्तिका है, उसको पढ़िए। उसमें बहुत ही सरल रूप में योग के विषय में बताया गया है। इसलिए मैं बहुत अधिक न कहते हुए संक्षेप में मैंने जो कहना था कह दिया। जो समझदार होते हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। मेरा सभी लोगों से, जितने भी लोग योग से जुड़े हुए हैं और जो केवल आसन प्राणायाम को योग समझते हैं, सभी से ये आग्रह है कि बाहर की दौड़ को छोड़ करके अंदर की दौड़ लगाइए, और अंदर की दौड़ लगाने के लिए बैठ
बैठना हो सके, एक स्थान पर बैठ करके आंख बंद करके और परमात्मा का ध्यान करना हो सके। अब वो कोई खर्चीला मार्ग नहीं है। ध्यान में बैठने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है? कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्थान पर हो, ध्यान में बैठ सकता है। थोड़ा सा एकांत स्थान खोजना है वो उपलब्ध हो जाता है, या फिर थोड़ा सा एकांत परिस्थिति हमें सृजन करना, जैसे कोई रात उठ करके भी कर सकता है, किसी भी तरह से। इसमें कोई खर्च नहीं है, इसमें वो पीड़ा भी नहीं है। कहने को लोगों को लगता होगा कि ध्यान में बैठने में ये थोड़ी देर में शरीर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि वृंदावन में जब लोग जाते हैं 84 कोस की जब परिक्रमा करते हैं तो कैसे करते हैं, उसमें ज्यादा कष्ट है कि ध्यान में बैठने में? लोग जब कांवड़ यात्रा करते हैं तो हरिद्वार से लेकर के, कुछ लोग हरिद्वार से करते हैं, कुछ लोग अलग अलग जगहों से अपने गांव तक पद यात्रा करते हैं, उसमें ज्यादा कष्ट है कि ध्यान में बैठने में ज्यादा कष्ट है? परमात्मा को पाने के नाम पर लोग कोई हाथ खड़ा करके रह रहा है, कोई एक पैर पर खड़ा रहता है, कोई सिर्फ पानी पी करके रह रहा है, कुछ कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उन सब में ज्यादा कष्ट है कि बैठने में ज्यादा कष्ट है? उन सबके साथ में तुलना की जाए तो आंख बंद करके ध्यान में बैठना सबसे सरल मार्ग है। इसीलिए योग दिवस के इस अवसर पर मेरा सभी से यही आग्रह है, सभी से ये प्रार्थना है कि योग को जाने, 8 अंगों को जाने, यम नियम को भी बहुत अच्छे से समझें। समझना है तो फिर मैंने जैसे जिन पुस्तकों का नाम लिया, ध्यान की पुष्पांजलि, निजानंद योग, इन पुस्तकों को पढ़ें। उसमें एक एक बातों का अच्छे से वर्णन किया गया है, तो उनका पालन करते हुए प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि के मार्ग पर पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ में सबको एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः शुभकामना देते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूं।